स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज बीए पार्ट टू के पेपर सेकंड में हमारा जो टॉपिक है वीडियो लेक्चर का, वो है राजपूताना में मराठा आक्रमण के कारण। अब राजपूताना में मराठा आक्रमणों के कारण पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो इससे पूर्व में यदि हम थोड़ा पृष्ठभूमि में जाकर देखें कि मराठों ने राजपूतों ने जब तक मुगलों का वो सहयोग करते रहे, तब तक वो भी काफी शक्तिशाली रहे, और जैसे जैसे मुगल सत्ता पतन की ओर जाने लगी, तो वो मुगल सत्ता के बिहाफ पर कहना चाहिए, और कि उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दक्षिण में उदय हो रहे शिवाजी के राज्य से उत्तर भारत को बचाने के लिए इन लोगों के आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गए, राजपूताना और मराठा। तो अगर हम ये कहें कि राजपूताना या राजपूतों और मराठों के संबंध जो हैं, वो शिवाजी के उदय से प्रारंभ होते हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब शिवाजी दक्षिण भारत में अपनी शक्ति, जो कि उनका कार्यस्थल था, वहां पर उनकी शक्ति बढ़ रही थी, और इधर मुगल शासक औरंगजेब जो था, वो दक्षिण भारत में पहले उसने गोलकुंडा और बीजापुर पर आक्रमण किया, तत्पश्चात उसने मराठा क्षेत्रों पर जब आक्रमण किया, तो औरंगजेब अपने जीवन पर्यंत शिवाजी को परास्त करने में लगा रहा, लेकिन अंत समय तक भी उसे पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात शंभाजी के बाद शाहू, उसके बाद पेशवाओं का अश्वप्रधान में प्रमुखता प्राप्त कर लेना, ये ऐसे कई सारे कारण थे जिन्होंने कि उत्तर भारत में मराठा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इसके ही पैरेलल हम देखते हैं कि अन्य भी कई कारण थे जिससे कि राजपूताना में मराठा लोग जो थे वो आक्रमण के लिए आगे बढ़े। तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो निम्न जो पॉइंट्स हमने यहां पर लिख रखे हैं उनके परिपेक्ष में करेंगे, जैसे कि मुगलों की केंद्रीय सत्ता का पराभव। हम देखते हैं कि अकबर के समय से अकबर ने जो अपनी राजपूत नीति अपनाई, उसने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, उन्हें उच्च सैनिक पद, उच्च मनसबदार पद, ये पद प्रदान किए, और विभिन्न क्षेत्रों पर जब वो लोग विजय के लिए मुगल सेना जाया करती थी, तो राजपूत सैनिक जो थे उनकी सेना का नेतृत्व किया करते थे। इसलिए जब तक शक्तिशाली मुगल सत्ता रही, अकबर के समय में, उसके पश्चात जहांगीर, शाहजहां के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत से राजपूत राज्य जो सूबेदार थे, जो अलग अलग राज्यों के शासक थे, वो उनका सहयोग करते रहे, लेकिन जब मुगल सत्ता पराभव की ओर जाने लगी, औरंगजेब के पश्चात हम देखते हैं कि मुगल सत्ता कुछ वर्षों तक रही, लेकिन उसमें वो साहस, वो वीरता नहीं थी कि वो अन्य ये जो राजपूत हैं इनके साथ भी अच्छे संबंध स्थापित कर सके, या उन्हें वो आशय प्रदान कर सके, और साथ ही साथ जो राजपूत शासक थे वो भी
अपने साथ बराबरी का व्यवहार न होने के कारण अब मुगलों के पक्ष में नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वो मराठों के आक्रमणों को मुगलों के बिहाव पर रोकना चाहते थे। तो मुगलों की केंद्रीय सत्ता के पराभव होने के साथ साथ राजपूत जो राज्य थे उनमें भी अहम की लड़ाई, अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की लड़ाई, सामंतों के स्वतंत्र होने का विचार, ये सब धीरे धीरे उत्पन्न होने लगा। और क्योंकि जो आगामी मुगल शासक थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो इस चीज को रोक सकते, तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण मुगलों की केंद्रीय सत्ता का पराभव माना जाता है। दूसरा कि जब बहादुर शाह की, मुगल शासक बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और उसके बाद जहांदार शाह शासक बना, जहांदार शाह के पश्चात उन्होंने सैयद लोगों ने फखरुशियार को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन फखरुशियार कुछ समय पश्चात ही सैयद बंधु जो थे उनमें आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया और फखरुशियार और सैयद बंधुओं के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं रहे। वे एक दूसरे को खत्म करने की योजना बनाने लगे और उन्होंने, सैयद बंधुओं ने पेशवा के साथ संधि कर ली और उन्हें सहायता के लिए आमंत्रित किया। जब मुगल शासक मराठों को अपनी सहायता के लिए यहाँ पर बुलाने लगे तो उससे क्या हुआ, मराठों को दक्षिण भारत के स्थान पर उत्तर भारत में अपनी सत्ता के प्रसार का एक मौका मिल गया और उन्हें ये भी पता चल गया कि ये जो मुगल हैं ये स्वार्थ लिप्सा में डूबे हुए हैं, इनमें आपस में गुटबंदी है। तो इन्होंने इन चीजों को कि मुगलों को दो गुट में बांट के उसका फायदा उठाना चाहा कि यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हमें उत्तर भारत में अपने पैर फैलाने में आसानी रहेगी। तो एक ये जो मराठों की विस्तारवादी नीति थी, और क्योंकि शिवाजी और उधर संभाजी की मृत्यु के पश्चात इन लोगों के पास धन की धीरे धीरे, जो इनके आय के स्रोत थे मराठों के, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और मुगल सत्ता की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए ये यहाँ पर उत्तर भारत में अपने पैर पसारना चाहते थे। फिर बाजीराव की उत्तर भारत की प्रसार की नीति, बालाजी विश्वनाथ जो थे उसके बाद छत्रपति शाहू ने अपनी 20 वर्ष के उसमें आयु में बाजीराव को पेशवा पद प्रदान किया। बाजीराव जो थे वो साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे और वो इस साम्राज्य साथ ही उनमें इतना बहादुरी भी थी, साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, उत्तर भारत की ओर बढ़ना चाहते थे। और बाजीराव जो थे उनकी उत्तर भारत की ओर जो प्रसार की नीति के मुख्य कारण थे वो क्या थे कि उसके कारण राजपूतों को चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई कि राजपूतों को ये लगने लगा कि एक तो अगर मराठे लोग उत्तर भारत की तरफ आएंगे तो अभी तक उत्तर भारत में मुगलों के पश्चात जो राजपूतों का स्थान है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जो उनकी शक्ति है वो भी सीमित हो जाएगी। तो राजपूत नहीं चाहते थे कि मराठे उत्तर भारत में आए या पेशवा बाजीराव जो है वो उत्तर भारत की ओर, और उन्हें ये भी पता था कि यदि वो मराठों का जो उद्देश्य था वो गुजरात और मालवा क्षेत्रों पर अधिकार करने का था, लेकिन राजपूतों को ये पता था कि जब वो गुजरात और मालवा की ओर बढ़ेंगे तो राजपूताना रास्ते में आएगा और
तब वो राजपूताना के राज्यों को आवश्यक रूप से क्षति पहुंचाएंगे। इसलिए जो राजपूत थे वो बाजीराव के उत्तर भारत के प्रसार की नीति के उसमें पक्ष में नहीं थे। फिर मराठों की धन लोलुपता, एक जो इनके आक्रमण का एक अन्य कारण ये था कि मराठे जो थे उनमें प्रारंभ में तो इनकी जो आय का साधन हुआ करता था चौथ और सरदेशमुखी जो कि ये लोग प्राप्त करा करते थे, वो उनकी आय का साधन था, जिसे कि ये जब कहीं युद्ध हुआ करते थे उसमें उस आय का ये अपना विनियोजन कर दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनके पास आय के स्रोत जो थे वो कम होते जा रहे थे। तो कि चौथ और सरदेशमुखी कैसे प्राप्त की जाए, अब इन्होंने ये प्लान बनाया मराठों ने कि राजपूताना के राज्यों पर आक्रमण करके या मुगल शासकों की जो कमजोरी है उससे फायदा उठाकर ये इन क्षेत्रों से उत्तर भारत के क्षेत्रों से क्या कर सकते हैं, चौथ वसूल कर सकते हैं। तो मराठों की जो धन लोलुपता थी वो भी राजपूताना में आक्रमण का एक कारण बन गई। नेक्स्ट पॉइंट है राजपूत राज्यों की सैनिक दुर्बलता। राजपूत राज्यों की सैनिक दुर्बलता में कि मतलब मुगल सेना से जब ये लोग वंचित हो गए, जब योग्य मुगल शासक नहीं रहे, और तब तो इनके पास खूब धन भी था, बड़े बड़े पद भी थे, इन्हें सेना मिली हुई थी जिसका संपूर्ण प्रबंध मुगलों द्वारा कर दिया जाया करता था। लेकिन अब मुगलों से अलग होने के पश्चात इनके पास सेना को सुसंगठित करने के लिए ना तो उतना धन था, ना इनके पास योग्य सैनिक रहे थे, ना इनके पास योग्य घुड़सवार थे। और जबकि मराठा लोग जो थे वो छापामार युद्ध पद्धति में बहुत निपुण थे, तो राजपूत राज्यों की सैनिक दुर्बलता जो थी वो भी इनके आक्रमणों के बीच में एक कारण रही। और मुगल सेना नायकों के रूप में जब ये युद्ध करते थे तब इनका मनोबल काफी बढ़ा रहता था, लेकिन इस समय राजपूत राज्यों पर लूट खसोट करना और ये मराठों ने अपना एक उद्देश्य कि पहले वो इनसे सैन्य शक्ति के रूप में धन मांगा करते थे और जब वो नहीं मिलता था तो ये लूटपाट का इन्होंने माध्यम बना लिया था मराठों। फिर राजपूत राज्यों के आपसी संघर्ष, मुगलों की सत्ता के पराभव के पश्चात हम देखते हैं कि ये जो राजपूत राज्य, जो महत्वपूर्ण राजपूत राज्य थे जिसमें बूंदी का राज्य, जयपुर का राज्य, जोधपुर का राज्य, इन लोगों में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। क्योंकि अब इनके इनमें उत्तर के जो संघर्ष का मुख्य कारण था वो था उत्तराधिकार का संघर्ष। दो पुत्र गद्दी पर बैठने का अपना अधिकार चाहते थे, लेकिन जब उनमें इस बात का सही से निर्णय नहीं हो पाता था तो ये जो उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता था इनमें, तब ऐसी स्थिति में उस संघर्ष में एक पक्ष या दूसरा पक्ष जो था वो मराठों की सहायता का लाभ उठाना चाहता था, और चाहे वो मुगल हो और चाहे राजपूत हो, जो भी मराठों से सहायता का आश्वासन मांगता था मराठे उससे धन के रूप वो काफी धन अर्जित करते थे, जिसका परिणाम ये होता था कि कोई भी पक्ष जब कमजोर होता था या उत्तराधिकार के संघर्ष में एक पक्ष विजय हो चाहे दूसरे पक्ष विजय हो, मराठों को इससे आर्थिक लाभ मिला करता था। तो ये सब तो कारण हो गए कि राजपूताना में मराठा आक्रमणों के कारण। अब राजपूताना में मराठों के प्रमुख आक्रमण कौन कौन से हुए? आक्रमण बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष, जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, जोधपुर का, मेवाड़ का, मराठों का सहयोग,
कई सारे युद्ध हुए, लेकिन यहाँ पर हम केवल इस लेक्चर में केवल दो पर ही चर्चा करेंगे। अब बूंदी का उत्तराधिकार का संघर्ष क्या था? जब आपने सवाई जयसिंह, मैंने आपको बताया था, तब मैंने बताया था कि 1728 और 29 में सवाई जयसिंह जो थे, उन्होंने अपने बहनोई बुद्ध सिंह जब बूंदी में उपस्थित नहीं थे, तो उनकी एब्सेंस में अपने एक प्रतिनिधि दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया था। और जब बुद्ध सिंह वहां से लौटे, तो उन्हें पता चला कि दलेल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया है, तो बुद्ध सिंह ने आकर गद्दी पर अधिकार करना चाहा, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। और इसी बीच जब जयसिंह मालवा की ओर चले गए, तो उन्होंने दलेल सिंह को वहां से हटा दिया। इसी बीच जयसिंह फिर बूंदी आए और उन्होंने दलेल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। 1730 ईस्वी में बुद्ध सिंह की मृत्यु हो गई, और बुद्ध सिंह की मृत्यु के पश्चात जो उनकी कछवाहा रानी थी, वो ये चाहती थी कि बुद्ध सिंह का एक पुत्र जो अभी छोटा ही था, उम्मेद सिंह, वो उसे गद्दी पर बैठाना चाहती थी। लेकिन जयसिंह इसके पक्ष में नहीं था, बल्कि जयसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह भी दलेल सिंह के साथ कर दिया था। उसने उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राजनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत बना लिया था। तब वो जो कछवाई रानी थी बुद्ध सिंह की, उन्होंने मराठों को की शक्ति को, सैन्य शक्ति को क्रय करने की योजना बनाई, और उन्होंने 6 लाख रुपया देकर होलकर और सिंधिया जो थे, उन्हें बूंदी के उसमें हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया। मराठे रानी के बुलाने पर बूंदी आए, और उन्होंने दलेल सिंह के स्थान पर उम्मेद सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन मराठों के वापस जाने के पश्चात जयसिंह ने, वो दलेल सिंह ने पुनः गद्दी पर अधिकार कर लिया। कुछ समय के लिए तो दलेल सिंह तारागढ़ के किले में चले गए, लेकिन दूसरी तरफ जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह के बेटों को, जब ये ईश्वरी सिंह को ये पता चला कि उम्मेद सिंह को गद्दी से हटा दिया गया है, तो उन्होंने पुनः वो उम्मेद सिंह को नहीं, दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया है, तो उन्होंने पुनः दलेल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया और उम्मेद सिंह को वहां से बाहर कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मराठों को इन लोगों के आपसी, राजपूताना के आपसी जो संघर्ष चल रहा था, उसका फायदा मिल रहा था। लेकिन अंततः 1748 ईस्वी में उम्मेद सिंह को पुनः बूंदी को जीतने में का अधिकार मिल गया, और वो बूंदी की गद्दी पर बैठ गए। तो इस तरह बूंदी के उत्तराधिकार का जो संघर्ष था, और बूंदी को जब इन्होंने बूंदी पर अधिकार कर लिया, तो इस में क्योंकि प्रारंभ में भी उम्मेद सिंह की मराठों ने सहायता करी थी, तो मराठों को इससे काफी अधिक धन प्राप्त। दूसरा, जयपुर का उत्तराधिकार का संघर्ष। जयपुर के उत्तराधिकार के संघर्ष की जब बात आती है, तो हम देखते हैं कि 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की तो मृत्यु हो गई थी। सवाई जयसिंह की मृत्यु के पश्चात जयपुर राजघराने में भी उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। संघर्ष का कारण क्या था कि जब जयसिंह गद्दी पर ही थे,
उस समय उनका विवाह मेवाड़ के राजा जगत सिंह की बहन के साथ हुआ था। और जब ये विवाह हुआ था तो उन्होंने सवाई जयसिंह से ये कहा था कि अब जो पुत्र उत्पन्न होगा भविष्य में वही उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। तो सवाई जयसिंह की मृत्यु के पश्चात ईश्वरी सिंह जो कि उनके अन्य पुत्र थे, ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठाया गया और उनसे उत्पन्न पुत्र जो उनकी रानी से उत्पन्न मेवाड़ के राजा की बहन थी, उनके पुत्र का नाम था माधो सिंह। वो ये चाहते थे कि माधो सिंह गद्दी पर बैठे। तो गद्दी पर बैठते ही ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया और माधो सिंह को अपने मामा का सहयोग प्राप्त था। वो उसे हर हालत में गद्दी पर बैठाना चाहते थे। गद्दी पर जब ईश्वरी सिंह बैठे तो उन्होंने उनसे प्रारंभ में माधो सिंह ने उनसे आधे राज्य की मांग की, जिसके लिए ईश्वरी सिंह तैयार नहीं हुए। जब ईश्वरी सिंह तैयार नहीं हुए तो माधो सिंह ने अपने मामा से सहायता मांगी और उन्होंने उनकी सहायता से इन दोनों के बीच एक संघर्ष हुआ जिसमें कि ईश्वरी सिंह की सेनाएं जो थी वो विजयी हुई। तत्पश्चात माधो सिंह ने होलकर से और ईश्वरी सिंह ने सिंधिया से, मतलब इन मराठा सरदारों से सहायता की, याचना की कि आप इस युद्ध में यदि हमारा सहयोग करेंगे तो इसके बदले में हम आपको काफी धन देंगे। इसके लिए वो लोग तैयार हो गए। और इससे पूर्व बगरू नामक जब इन्होंने ये मराठों से सहायता मांगी तो इनका ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य बगरू नामक स्थान पर संघर्ष हुआ जिसमें कि ईश्वरी सिंह की सेनाएं विजयी हुई। अब ईश्वरी सिंह की सेनाएं जब विजयी हो गई तो उसके पश्चात 1748 में पेशवा खुद राजस्थान आए और उन्होंने दोनों भाइयों के मध्य एक समझौता करा दिया। ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को जयपुर राज्य के 4 जिले देने की बात कही और काफी सारी धनराशि भी देने की बात कही, लेकिन पेशवा के वापस होने के पश्चात उन्होंने जो 4 राज्य थे उसे वापस नहीं किए, माधो सिंह को नहीं दिए। और न ही उन्होंने जो मराठों ने उनसे जिस राशि की मांग करी थी वो भी पूरी तरह से नहीं चुकाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि बार बार मराठे और ये सिंधिया और होलकर जो थे वो जयसिंह से धन की मांग करते रहे। जयसिंह ने उन्हें मुकुंद दर्रा के रास्ते लगभग 2 लाख रुपए भिजवाए, जिसको कि मराठों ने को जब ये पता चला कि केवल 2 लाख रुपए भिजवाए गए हैं तो उन्होंने उसके लिए उन्हें काफी कड़े शब्द कहे और शेष धनराशि को शीघ्र उपलब्ध कराने की बात कराई। लेकिन उनके पास इस समय, ईश्वरी सिंह के पास इस समय अधिक धन नहीं था। और बाद में आत्मग्लानिवश जी कहते हैं कि ईश्वरी सिंह ने 1750 में आत्महत्या कर ली। जब ईश्वरी सिंह ने 1750 में आत्महत्या कर ली तो 1751 ईस्वी में होलकर ने माधो सिंह को आमंत्रित किया और उन्हें जयपुर की गद्दी पर बैठाया। अब माधो सिंह जब गद्दी पर बैठ गए तो मराठों ने उनसे 10 लाख रुपए की मांग की और साथ ही साथ जो ईश्वरी सिंह का के समय का बकाया चल रहा था उसे भी देने की मांग की। माधो सिंह ने उन्हें लगभग 5 लाख रुपए दे दिए और
शेष राशि बाद में देने की बात कही। लेकिन मराठे तो क्योंकि इस समय मराठों को धन की आवश्यकता भी थी और साथ ही साथ वो इस चीज को कैश भी करते थे कि क्योंकि उन्होंने राजपूताना के संघर्ष में हस्तक्षेप करके वो अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का उन्होंने साधन बना लिया था। तो माधव सिंह द्वारा अब एक नया उपाय सोचा गया कि ये लोग तो समय समय पर लगातार धन की मांग किए जा रहे हैं, तो वो मराठों के स्थान पर उन्होंने अफगानों और रुहेलों से सहायता मांगी और जिसकी उन्हें कुछ हद तक सहायता भी प्राप्त हुई। साथ ही साथ माधव सिंह ने ये सोचा कि ये जो मराठा सेना और इनके अन्य लोग हैं उन्हें किसी प्रकार से बंदी बनाकर उन्होंने एक बार ऐसी योजना बनाई कि उन्हें मरवा दिया जाए, जिसमें कि वो कुछ हद तक सफल भी हुए। जिसके कारण क्या हुआ कि मराठा लोग जो थे उनका माधव सिंह पर से विश्वास उठ गया। अब स्थिति ये हो गई कि जुलाई 1759 में पेशवा ने राजपूत राज्य से अपनी बकाया राशि को फिर मांगा, लेकिन और उन्होंने मल्हार राव होलकर को बहुत सख्त हिदायत देकर भेजी कि ये राशि माधव सिंह से आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाए। 1759 में वो लोग वहां पर पहुंच गए, लेकिन क्योंकि इस समय तक माधव सिंह जो थे वो अफगानों के संपर्क में आ चुके थे और उन्हें ये विश्वास था कि जब अहमद शाह दुर्रानी भारत में प्रवेश करते ही करेगा तब मराठों को वहां से हटना पड़ेगा, और उनका ये अंदाज सही भी निकला। जैसे ही अहमद शाह दुर्रानी भारत आया तो मराठे जो थे उन्हें उत्तर भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा और फिर कुछ समय तक के लिए मराठे जो थे उन्होंने जयपुर राज्य से या कहें राजपूताना के इन राज्यों से धन की मांग नहीं की और पानीपत के तृतीय युद्ध में वो लोग मराठे जो थे अफगानों से परास्त हुए। इस प्रकार माधव सिंह अपनी कूटनीतिक चालों से मराठों को जो उन्हें धन देना था उसे कम कराने में समर्थ हो पाए और उन्होंने राजपूत राज्य जो थे उन्हें जब ये पता चला कि अहमद शाह अब्दाली जो था उसकी सेना ने मराठों को परास्त कर दिया है पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो उन्हें इससे हार्दिक प्रसन्नता हुई क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि मराठा जो आक्रमणों में सहयोग कर रहे थे उसके बदले में जो अथा राशि की मांग कर रहे थे उस पर अब नियंत्रण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि राजपूताना में मराठों के दो प्रमुख आक्रमण, बूंदी में उत्तराधिकार का संघर्ष और जयपुर के उत्तराधिकार के संघर्ष में उन्होंने किस प्रकार इन लोगों की राजपूताना के एक पक्ष की सहायता की और कैसे उनसे धन की मांग करी, और जो अन्य राजपूत राज्यों के साथ संघर्ष है, साथ ही राजपूताना में मराठा आक्रमणों के परिणाम, इनका जो अध्ययन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।